एक ही बेटा है मेरे इस दुनिया में, उसके अलावा कोई भी नहीं है, ना उसका पापा है ना और कोई सहारा है मेरा, मेरे लिए वो है, उसके लिए मैं हूँ बस। सरकार नु कदम चकना चाहिए जी यार, एक अगर एक बंदा सही लग रहा है, सही लग की सही है तो उनकी हेल्प एंड सपोर्ट करो जी, उन्होंने सीधा हिसाब है जी, गल सही है वो सही है, उन्होंने किदा टाल सकते हैं आप। सवेरे अगर कोई आके तुहाडे घर दे बाहर खड़ा हो जाऊगा कि बंदूक लैके गन लैके की कर लोगे तुसी, उन्दा कुछ नहीं कर सकते। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा जो मुझे धमकी मिली थी, जो मेरे पर प्रूफ पड़े हैं। एंड उसके अलावा काफ़ी सारे बंदे बोल रहे थे कि डाकू बोल रहा है मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो मैं आपको सारे प्रूफ्स दिखाऊंगा जिसमें मेरे पास सारे प्रूफ है डाकू ने ही मुझे धमकी दी थी। I cannot do anything or any of the SATL cannot do anything. लैग नहीं है गाइस, थोड़ा सा कैमरा पता नहीं क्या किसने क्या कर दिया है बकचोदी। ऐसा मत करो प्लीज ना भाई। भाई अभिराज भाई देखो, मैं कोई ना ही मेरे पापा जज हैं, ना ही मैं कोई कोर्ट चलाता हूँ, ना ही मैं कहीं का लॉयर हूँ, तो मैं तो कोई जो है कुछ कर नहीं सकता। दिस इज़ अ केस जिसके बारे में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली बॉडी ही कुछ कर सकती है। हिज फैमिली और एनीबडी कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द पीपल हु डिड इट एक्चुअली, एंड दैट कैन बी सॉर्टेड। तो इसमें हर चीज़ के बारे में अदालत खोल के मत बैठ जाया करो, बी सेंसिबल। एटलीस्ट 15 साल तक के बच्चों वाली हरकत कर लिया करो, उसके ऊपर वाले लोग तो मैच्योर हो जाते हैं। अगर तुम ये लिख रहे हो तो आई विल टेक एज कि तुम उससे भी छोटे हो।